स्वागत है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा SXT Lite जो कि MikroTik का डिवाइस है। ये SXT Lite MikroTik का डिवाइस है और बताऊंगा कि आप इसको कैसे एक्सेस पॉइंट और कैसे स्टेशन बना सकते हैं। बाकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसका एक टूल आता है, जैसे यूबीक्यूटी का यूबी एंटी डिस्कवरी आता है वैसे ही MikroTik का विन बॉक्स करके आता है, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं सबसे पहले इसको रन करता हूँ और रन करते ही आप देखेंगे कि ये एक डिवाइस है जो मेरे नेटवर्क में मतलब मेरे लैपटॉप से कनेक्टेड रखा है और उसका ये डिफ़ॉल्ट आईपी है, मैक एड्रेस है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे, वैसे आप यहाँ से कनेक्ट करके भी इसको ओपन कर सकते हैं बट मैं इसको डायरेक्ट ब्राउज़र पर ओपन करूँगा जिससे कि आपको देखने में इजी रहे। 192.168.88.1 ये आपका आईपी एड्रेस, इसी रेंज का आपको एक लैन पोर्ट में डालना पड़ेगा अपने। ये मेरा नेटवर्क कनेक्शन है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक आईपी डाला हुआ है इसी रेंज का, ये 88.100 इसी रेंज का मैंने आईपी डाला हुआ है जिससे कि हमारे डिवाइस ओपन हो जाए। यहाँ पर हम टाइप करते हैं 192.168.88.1। MikroTik का डिफॉल्ट आईपी यही होता है हमेशा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये हमारा MikroTik स्टार्टिंग टाइम में जब आप फर्स्ट टाइम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये कोई यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मांगता है, सीधा ओपन हो जाता है। और एक्सेस पॉइंट और स्टेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, सीपी से पीटीपी ब्रिज मोड पर आ जाइए आप। उसके बाद ये नॉर्मली कनेक्टेड रहता है, आप डिस्कनेक्ट कीजिए और यहाँ पर देखिए क्लाइंट सीपी एंड सर्वर एपी दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके लिए। अगर आप एपी करते हैं तो ये एक्सेस पॉइंट बन जाएगा और यहाँ पे आप अपना SSID नाम दे सकते हैं, सिक्योरिटी लगा सकते हैं, प्रीशेड की दे सकते हैं, कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, यूजर एक्सेस कंट्रोल लगा सकते हैं। ये तो आपको एक्सेस पॉइंट बनाने के लिए हो गया और यहाँ पर आप स्टैटिक आईपी भी दे सकते हैं और DHCP भी दे सकते हैं, गेटवे DNS, यूजर आईडी पासवर्ड आप इसमें लगा सकते हैं। ये तो क्विक सेटअप है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली क्विक सेट पे आके इतनी छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। और अगर आपको इसे क्लाइंट बनाना है तो आप क्लाइंट CP पे आइए, यहाँ पर जो भी डिवाइसेस आपके नियर मतलब जो आपका एक्सेस पॉइंट होगा उसका जो नाम है वो यहाँ सर्च होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर आप आके सर्च कर सकते हैं डिवाइस और कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस डिवाइस के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूँ, मैं MikroTik की साइट पर चलता हूँ, गूगल में डायरेक्ट सर्च करता हूँ SXT Lite5। सॉरी एक्चुअली मेरा नेट बंद है, नेट ऑन कर लेता हूँ मैं। तो एक्सेस पॉइंट स्टेशन और एपी बनाना तो मैंने आपको बता दिया, बाकी मैं थोड़ा सा आपको इस डिवाइस के बारे में नॉलेज देता हूँ कि ये कितनी दूर तक कनेक्टिविटी दे सकता है SXT Lite5। जैसे कि ये प्राइस देख रहे होंगे 4,749 रुपये का है ये, बाकी इससे कम में भी आपको इस प्राइस में मिल जाएगा, नेहरू प्लेस जाना पड़ेगा उसके लिए आपको दिल्ली में। ये हमारा SXT Lite5 है। कुछ इंस्टॉलेशन की वीडियो आप जैसे देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। Thank you.
फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर इस वीडियो में इन्होंने दिखाया हुआ है MikroTik की साइट पर जो वीडियो है कि ये ग्राउंड वायरिंग का ऑप्शन है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमेशा ये ग्राउंड वायरिंग का जो ऑप्शन है जो ये दिया हुआ है ये आप जरूर करके रखें, क्योंकि कई बार मौसम खराब होता है और बिजली वगैरह गिरती है, तो जो हमारे टावर्स वगैरह पे कई बार बिजली गिर जाती है, तो ये अर्थिंग के लिए बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज आपका डिवाइस खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपने इस वीडियो में देखा होगा जो इन्होंने MikroTik ने अपनी वेबसाइट पर दी हुई है कि किस तरीके से इसको आप माउंट कर सकते हैं अपने टावर या किसी एक पोल पर डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो MikroTik ने डिवाइस बनाया है एक्सेस पॉइंट कम बनाने के लिए बनाया है, इसको स्टेशन बनाने के लिए बेसिकली इसको बनाया है कि आप इसको स्टेशन बनाकर क्लाइंट साइड पर लगाकर यूज कर पाए, क्योंकि आप जैसे मान लीजिए आपने एक सेक्टर लगा दिया है या एक ओमनी एंटीना लगा दिया अपने टावर साइड पे और क्लाइंट साइड पे आप अगर लगाना चाहते हैं तो ये काफी कॉम्पैक्ट छोटा डिवाइस है और आपको इजीली आप इसको माउंट कर सकते हैं, डायरेक्शन वगैरह भी इजी है। ये डिटेल्स वगैरह हैं कुछ डिवाइस की, कॉन्फ़िगरेशन है और पावर से रिलेटेड, वायरलेस, कितनी फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, स्टैंडर्ड्स क्या है, 802.11an फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, इथरनेट पोर्ट 100 Mbps है मैक्सिमम, और वायरलेस स्पेसिफिकेशन में 6 MB बिट्स पर सेकेंड इंक्लूडिंग पार्ट। ये आपको तीन चीजें मिलेगी इसमें, एक अडेप्टर मिलेगा 24 वोल्ट 0.38 एम्पियर, पीओई इंजेक्टर मिलेगा, मेटल रिंग मिलेगी आपको, और बाकी काफी सारी चीजें जो आप इनकी वेबसाइट पर आके चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि MikroTik के जो डिवाइसेज होते हैं काफी अच्छे वर्क करते हैं यूबीक्विटी के मुकाबले, ऐसा मुझे लगता है। बाकी जो लोग चला रहे हैं इस डिवाइस को वो मेरे से ज्यादा बेहतर जान सकते हैं क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस चीज का। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि यूबीक्विटी से ज्यादा अच्छा काम करते हैं, और अगर आपको क्लाइंट साइट पे इंस्टॉलेशन करने के लिए कोई बढ़िया डिवाइस चाहिए तो SXT Lite से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके यहाँ पर 2.4 की फ्रिक्वेंसी के डिवाइसेज हैं या आपके टावर पर 2.4 का सेक्टर या ओमनी एंटीना लगाए तो आप 2.4 की फ्रिक्वेंसी वाला SXT Lite भी ले सकते हैं। ये 5 है तो यानी ये 5 GHz की फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।